हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सेव एज के बारे में और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, बट उसको सेव एज कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टाइमलाइन है, इस पर मैंने कुछ वीडियोज़ डाली हुई हैं इस प्रकार से, और इन वीडियो को हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम जाते हैं सेव प्रोजेक्ट, यानी कि जब आप बनाते हैं तो सेव प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। लेकिन क्या आपने देखा है कि सेव एज प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? सेव एज के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये हमारे पास में पूरी टाइमलाइन पे हमने वीडियो डाल दी है। इस तरह करके आप कोई भी वीडियो अपनी टाइमलाइन पे डाल सकते हैं, इस टाइप से, है ना। यहाँ से आप चाहें तो इसको सिंगल व्यू और ड्यूअल व्यू में भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास में सिंगल व्यू का ऑप्शन है, ये सिंगल मोड में हम कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की एडिटिंग करते हैं, सिंगल मोड में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह सिंगल मोड में किसी भी चीज़ की एडिटिंग कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं इस टाइप से। और अगर इसी चीज़ को आपने ड्यूअल मोड में करना है, बहुत से लोगों के पास में ये दिक्कत आती है कि सिंगल मोड और ड्यूअल मोड क्या होता है, तो उस चीज़ के लिए ही ये मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे पहले हमने प्रोजेक्ट सेव किया था और उसको सेव एज कैसे कर देते हैं। तो देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को मत छोड़िएगा। ये हमारा आ गया है ड्यूअल मोड, और ड्यूअल मोड आपको मिलेगा इसमें जाके व्यू में। व्यू है ये आपका सिंगल मोड, देन आपका ड्यूअल मोड। ये देखिए, ये हमारा ड्यूअल मोड आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे अपने इसमें ई ड्राइव में गए, और यहाँ पे जाने के बाद में हमने क्या किया हुआ है, EDS प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, ये ऑल VFX का प्रोजेक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमारा ये बना हुआ है ऑलरेडी, ये वाला प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। अब इसको हमने क्या करना है, वापस में ड्यूअल मोड में कर देना है इसको। इसको हम सेव एज करेंगे, और यहाँ पे हमने जो पहले नाम दे रखा है ऑल VFX दिया हुआ है, यहाँ पे हम दे देंगे ऑल VFX कॉपी। ये देखिए हमने कॉपी दे दिया और इसको सेव कर दिया है। जब हम इसको सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये EDS प्रोजेक्ट टाइमलाइन है कि यहाँ पे आपका एक और प्रोजेक्ट बन गया है सेव एज के नाम से। ये हमारा सिंगल पैरेलल प्रोजेक्ट था ऑल VFX के नाम से, अब क्या हुआ है ऑल VFX कॉपी के नाम से आपका दूसरा प्रोजेक्ट भी बन गया है। और दोस्तों, इसके बीच में मैंने आपको ये भी बताया कि सिंगल मोड और ड्यूअल मोड में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें तो आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ और नई चीज़ों के बारे में, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।